गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार। आप सबका परिवर्तन आईएएस एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे 22 जुलाई 2018 यानी संडे न्यूज़पेपर की, और इसमें जो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल सेक्शन कहीं ना कहीं लुप्त होता है डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं होता भी है, ठीक है। तो कल एक पोल करवाया था कि जिसमें कुछ रिफॉर्म के बारे में बात हुई थी, तो आपने मेजोरिटी से ये सेलेक्ट करा है कि उस किस सब्जेक्ट से लिंक हो रहा है, पेपर 1, 2, 3 जो भी, वो भी आप साथ में मेंशन करिए, तो उस चीज़ को अप्लाई किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर फ्रंट में हम न्यूज़ पढ़ेंगे। बेसिकली ये न्यूज़ है 11 जून 2018 की। इसमें हुआ क्या था एक्चुअली, और कुछ सिप जर्मनी के वेसल्स जो हैं वो 7,778 टन कार्गो, एक बड़ा कार्गो था, वो स्पॉट किया गया सैटेलाइट के थ्रू, ठीक है। और इसमें डिफेंस इक्विपमेंट पाए गए। अब ये इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड एक इश्यू है, और पेपर 3 जीएस मेंस में ये बेसिकली लिंक होता है। यहाँ पर लिंक किया गया 26/11 में जब मुंबई पर अटैक हुआ था, 26 नवंबर को 2008 में, उस समय जो अटैक हुआ था वो सेम इसी तरीके से हुआ था। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा चैलेंज का इश्यू था, हालांकि स्पॉटेड किया गया। और अगर हम देखें वहाँ, यहाँ भी सैटेलाइट्स यूज हुए हैं, जिस प्रकार से सैटेलाइट मोबाइल्स उस समय भी यूज हुए थे, तो ये उस चीज़ से लिंक होती है कि इंटरनल सिक्योरिटी को किस तरीके से खतरा पैदा होता है। और हालांकि जो कोस्ट गार्ड और नेवी के जो ऑफिसर्स थे, उसने इसको स्पॉट किया सिग्नल्स के थ्रू, और ये फाइनली डिटेन किए गए ये वेसल जितने भी थे जिसमें डिफेंस इक्विपमेंट थे। और ये माना जा रहा है कि सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि रशिया की एक पोर्ट है, वहाँ से ये आया था। और हालांकि इंडियन मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने इस सोर्स को कंफर्म किया था। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से डील करता है, ये रेगुलेट करता है, और ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी ये कंट्री इसमें पार्टिसिपेट होती है, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट करता है शिपिंग को, जो भी जहाज इधर उधर हो रहे हैं उन चीज़ों को डील करता। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा यहाँ पर। तो ये पेपर 3 के साथ साथ अगर हम इस पॉइंट को देखें, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, तो पेपर 2 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और 3 के हिसाब से भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ये यूज़ किया जा सकता है। आगे चलते हैं। सेकेंड एक न्यूज़ फिर से आते, देखिए लिंचिंग पर लगातार, लिंचिंग या इलीगल तरीके से किसी पर हत्या करना, हत्या का प्रयास करना, मारपीट करना, ये सारी एक्टिविटीज इसमें आ जाएगी। तो राजस्थान में अलवर में फिर से एक न्यूज़ आती है कि एक व्यक्ति है अकबर खान, उनको पीटा गया इस सस्पेशन में कि एक संदेह था कि वो काऊ स्मगलिंग कर रहे हैं, यानी गाय की स्मगलिंग कर रहे हैं। ये इस तरह की चीज़ें जो लगातार इन दिनों में बढ़ रही, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि लिंचिंग को रोकना रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और उस पर तेज़ी से काम करिए, क्योंकि एक अलग कॉन्टेक्स्ट में अब केवल व्हाट्सएप की बात नहीं रही है, अब चीज़ें कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो रही है। और इसकी वजह से हिंदू मुस्लिम और जो अपर कास्ट लोअर कास्ट, इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है। तो इस चीज़ को ना हो, इस तरह की कोई भी एक्टिविटी जो कि राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित करे। राज्य सरकार, केंद्र सरकार और लोगों को इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि एक भी मैसेज पर विश्वास करने से पहले कम से कम उसकी सत्यता ज़रूर जांच लें, और इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। अगर आपको इस तरह की चीज़ें लगती है तो आप पुलिस को इन्फॉर्म करिए, ठीक है, पीसफुल तरीके से ये सारी एक्टिविटीज़ करिए, ना कि वॉयलेंस या हिंसा के थ्रू। तो ये डील हो सकता है इंडियन सोसाइटी में पेपर 1 में जो आता है, तो वहाँ ये लिंक किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर एक फेस्टिवल, एक वीक ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसको बोलते हैं नेशनल मौत वीक। मौत का मतलब होता है जो कीट पतंगे होते हैं उनके बारे में, एक तरीके से ये सप्ताह ऑर्गेनाइज किया जा रहा है July 21 से 29 के बीच में, राइट। और 14 कंट्रीज में इस तरह की चीज़ें, या साइंटिस्ट डिवोटेड हैं इस चीज़ के लिए। अब बेसिकली जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है UPSC परस्पेक्टिव में, एनवायरमेंट से अगर लिंक करें, खासकर प्रिलिम्स के हिसाब से, तो उसमें ये लिंक कर सकते हैं हम लोग कि भारत के अंदर लगभग 10,000 इस तरह के कीट पतंगे हमें मिलते हैं, जो कि हमारी बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
राइट। इसके अलावा दो चीजें यहाँ पर डिस्कशन की गई है जो कि प्रीलिम्स के हिसाब से तो खासकर ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो दो चीजें हैं, यहाँ आप देखेंगे बॉम्बे नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी, हिस्ट्री सोसाइटी, जो कि एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और ये बहुत पुराना है। 15 सितंबर 1883 को ऑर्गेनाइजेशन बना। तो ये सलीम अली जो कि एक पक्षी विज्ञानी थे, उनके एक तरीके उन्होंने फाउंड करा था ये, उनका काफ़ी योगदान इसमें है। और बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन का जब हम देखते हैं, एनजीओ है ये, गवर्नमेंट नहीं है, एक एनजीओ टाइप में है। इसका अगर आप लोगो देखेंगे तो वो हॉर्न बिल है और ये यूपीएससी प्री में एनवायरमेंट सेक्शन में सवाल हो चुका है तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। और चूँकि जो लोगो दिया है हॉर्न बिल, उस पर भी सवाल हो चुका है। ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पहले बॉम्बे नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी पर सवाल हो चुका प्री में और सेकंड ग्रेट हॉर्न बिल पर भी सवाल हो चुका है यूपीएससी में। तो दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिए। और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट थी, यहाँ पर डिस्कशन किया गया असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दिल्ली में पड़ती है असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि तुगलकाबाद के आसपास है। तो कभी कभी इस तरह की चीज़ें आए कि ज्योग्राफिकल लोकेशन किसी पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की पूछ लें जो न्यूज़ में रहे तो हम उसको भी डील कर सकते हैं। प्री में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेंस में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। देखिए यहाँ पर एक न्यूज़ है, तमिलनाडु जो है स्टडी लोन्स में 40% तक एनपीए हो गया है तमिलनाडु में, ये एक बड़ा चैलेंज है। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें जो यहाँ पर डील की गई है, जैसे इंडियन बैंक्स एसोसिएशन है, यूपीएससी 2018 अगर किसी ने दिया है तो वहाँ एक सवाल था प्री में कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो एटीएम को इंस्टॉल करता है, राइट। इस तरह का क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। वहाँ पर नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वहाँ से लिंक है, लेकिन वहाँ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का भी डील किया गया। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन बेसिकली डील करता है, डिस्कस करता है प्रॉब्लम्स क्या है या रिसर्च करता है, स्टडी करता है जो जो मेजर प्रॉब्लम, और पार्लियामेंट के सामने बताया इन्होंने, प्रेजेंट किया कि इस तरह के 2,659 करोड़ जो है वो एनपीए हो गया एजुकेशन सेक्टर में ही, ठीक है, जो कि बड़ी अमाउंट है इसमें तमिलनाडु में पब्लिक सेक्टर बैंक में स्टडी के थ्रू जो एनपीए बढ़ता जा रहा है ये, ठीक है। अभी जो मॉनसून सेशन चलेगा उसमें जो क्वेश्चन एंड आंसर होते हैं प्लीज़ वो ज़रूर देखिए, आपको वो मेंस के प्रस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ऑथेंटिक गवर्नमेंट सोर्स होता है और उस गवर्नमेंट सोर्स को हम यूज़ कर सकते हैं अपने मेंस में एनालिटिकल पावर में। देखिए यहाँ पर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है और इसमें डिसीजन लिया कि सैनिटरी पैड्स जो नैपकिन होते हैं, सैनिटरी नैपकिन होते हैं, उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और कई चीज़ों पर जो हाउस होल्ड अप्लीकेशंस होते हैं वो 18% तक टैक्स कम कर दिया गया है। बेसिकली जीएसटी काउंसिल को चेयर करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर और इसमें कई चीज़ों पर इस बार डिसीजन लिया गया कि चाहे स्मॉल टेलीविजन हो, वॉशिंग मशीन हो, रेफ्रिजरेटर हो, उन पर जो है 50 प्रोडक्ट्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं, उसमें टैक्स स्लैब कम कर दी गई है। अगर टैक्स स्लैब कम होती तो डेफिनेटली इसमें बहुत बेनिफिट्स होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर स्मॉल टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, किचन अप्लीकेशन, सजा मिक्सर एंड जूसर, इनके स्लैब्स घटा दी गई है। अब ये प्रोडक्ट सस्ते होंगे तो डेफिनेटली बात है सेल इंक्रीज होगी और सेल इंक्रीज होगी तो डायरेक्टली और इंडायरेक्टली गवर्नमेंट को बेनिफिट है। और इंडियन इकोनॉमी को अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे तो एक कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी है, उपभोग यानी यहाँ उपभोक्ता कितनी ये काफ़ी मैटर रखता है, ठीक है। अगर स्लैब्स की बात करें जीएसटी में तो बेसिकली 5 स्लैब्स जीएसटी के अंदर है, 0%। अब किसी को सवाल उठता है कि 0% स्लैब कैसे हो सकती है। स्लैब इसलिए है क्योंकि कोई भी आइटम अगर 0% में ऐड होता है तो वो भी स्लैब मानी जाएगी, राइट। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। अगर आप इन आइटम्स की स्लैब्स को देखेंगे, इन स्लैब्स में जो जो चीज़ें शामिल की गई है उनको आप समझेंगे तो देखेंगे जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें लग्जरी होती जाएगी स्लैब्स बढ़ती जाएगी, राइट। सिंपल से लग्जरी चीज़ें जाती जाएंगी, स्लैब्स इंक्रीज होती जाएगी, ये फंडा है ये, इसमें आप थोड़ा एनालिसिस करिए कभी। तो ये सवाल जीएसटी काउंसिल पर हो चुका है प्री में इकोनॉमिक परस्पेक्टिव से, तो ये इकोनॉमिक दोनों यानी प्री और मेंस इकोनॉमिक से रिलेटेड ये है। तो इस तरह की चीज़ें आए तब भी आपको ध्यान रखना, कवर करना इस तरह की न्यूज़ को भी। देखिए इस पेज पर
दो तीन इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जैसे सेक्शन 377 370 पर हमने काफी बात कर ली है, ये आईपीसी का सेक्शन 377 जो है कहीं ना कहीं लिंक करता है एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से, ठीक है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई चल रहा है, दिन प्रतिदिन इस पर सुनवाई हो रही है, फाइनल जजमेंट जब आ जाएगा तो उसको डिटेल से देखेंगे। लेकिन यहाँ सवाल कई उठते हैं एलजीबीटी कम्युनिटी से, एक चीज जो हमने मिस कर दी थी, हमने डिस्कशन बहुत किया लेकिन एक चीज जो मिस कर दी थी कि एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए केवल धारा 370 ही नहीं है, हम देखेंगे इस कम्युनिटी के लोगों के साथ भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट या रोजगार के मामले में हो, या फिर कहीं ना कहीं हेल्थ फैसिलिटी जब वो लेने जाते हैं तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता है, या पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवानी हो, हर जगह जो एक डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं उसको सॉर्ट आउट करना जरूरी है। यहाँ पर बात करेंगे WTO की, काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों नीचे कमेंट करना कि WTO की स्थापना कब हुई थी और WTO कब, मतलब WTO की स्थापना कब हुई थी, और एक क्वेश्चन और इसके साथ है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन प्रेजेंट करता है, दो क्वेश्चन है इसी के साथ। देखिए WTO इन दिनों काफी चर्चा में, न्यूज में है, बेसिकली हुआ ये है कि भारत पर भी ये एलिगेशन लगते हैं कि इंडिया जो एक्सपोर्ट को निर्यात में सब्सिडी देता है वो सही नहीं है और इंटरनेशनल ट्रेड को प्रभावित करते हैं, ठीक है। WTO जो काफ़ी चैलेंज फेस कर रहा है एक तरीके से, ट्रेड टेंशन इंक्रीज हो रही है, जो यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, यूरोपियन यूनियन, कनाडा और दूसरे दुनिया की कंट्री में, ये सारी वजह से काफ़ी चैलेंज फेस कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो है इस प्रकार की पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं US प्रेसिडेंट कि USA का ट्रेड इफेक्ट नहीं होना चाहिए और जो ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटा जो बढ़ता जा रहा है वो हमको कम करना है, लेकिन अगर इंडिया सब्सिडी देता रहा एक्सपोर्ट को तो ये चैलेंज फेस कर सकता है, ये इसीलिए उन्होंने हमारे विरुद्ध एक केस फाइल भी किया है जो कि WTO में पेंडिंग है, और इसी में हमें मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है ये हम ये केस हार भी जाएं, ये क्वेश्चन। और WTO की यहाँ भूमिका क्या है, ये सारी चैलेंज फेस कर रही है कि जिसके लिए बना था WTO, जिस चीज के लिए बना था कि एक स्वतंत्र ट्रेड हो, व्यापार जो है स्वतंत्रता पूर्वक चले, उस ट्रेड को वो मेंटेन करने में एक तरीके से अनसक्सेसफुल हुआ है। कहीं ना कहीं WTO पर एलिगेशन लगते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ उसका झुकाव है, और भारत में भी इस तरह की चीज़ें उठी है कि क्या इंडिया को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो सदस्यता है वो छोड़ देनी चाहिए, इस तरह की बातें हुई है, तो लेट्स सी अब होता क्या है। लास्ट में जो क्वेश्चन है वो है कावेरी पर, और कावेरी पर इतने टॉपिक आते हैं। कावेरी में हम देखते हैं यहाँ पर हुआ बेसिकली क्या है कि पहले तो कर्नाटका तमिलनाडु को एक बूंद पानी नहीं देना चाहता था, उसके बाद अब वहाँ पर बाढ़ इतनी आ गई है कि वो चाहता है कि सारा पानी तमिलनाडु में चला जाए, ये सेल्फिशनेस जो देखने को मिलती है बड़ी अजीब है। हालांकि इस चीज़ में बाढ़ से तो कोई फायदा नहीं है किसानों को, लेकिन रेनफॉल की वजह से काफ़ी बेनिफिट हो सकता है, खासकर जो धान और जो गन्ना किसान है उनको, तमिलनाडु के गन्ना किसानों पर या तमिलनाडु में जो गन्ना पैदा किया जाता है, शुगर केन पैदा की जाती है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन UPSC में पूछा था कि क्या कारण है कि तमिलनाडु में जो इंडस्ट्री है, ये शुगर केन इंडस्ट्री ज़्यादा प्रोडक्टिव है एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया और महाराष्ट्र, ठीक है, इनमें इनकी बजाय तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा क्यों, ये इस तरह की चीज़ें हैं। इसके अलावा जो रिवर्स के बारे में बात करेगी, कबिनी, हरंगी, हेमावती, जो कि इससे रिलेटेड है कावेरी से, ये हो सकता है ट्रिब्यूटरी से रिलेटेड क्वेश्चन ज्योग्राफिकल परस्पेक्टिव में। तो एक इन्फॉर्मेशन है जस्ट, देखिए यहाँ पर कई बच्चों ने पूछा था कि भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ऐड क्यों नहीं करते, उसके पीछे मैं एक लॉजिक देता हूँ, और मैं इसलिए नहीं कि यूज इसको बताना नहीं चाहता, एक्चुअली साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ ना साइंस होती है ना टेक्नोलॉजी होती है, दो चीज़ें समझिए, यहाँ पर जनरल रिसर्च होते हैं, ठीक है, और पर्टिकुलरली UPSC में ये नहीं पूछेंगे कि रिसर्च इस टॉपिक पर क्या हुआ है, राइट। UPSC में प्री और मेंस में दो तरीके के सवाल होते हैं, प्री में बेसिकली अगर साइंस पर सवाल होंगे तो वो डिजीज रिलेटेड हो सकते हैं,
ठीक है, और या फिर वो हो सकते हैं टेक्नोलॉजी, लेकिन टेक्नोलॉजी में एडवांस टेक्नोलॉजी हो सकती है जो हम बात करते हैं उस तरह की टेक्नोलॉजी हो सकती है। यहाँ पर डेली रिसर्च होते हैं और वीक में अगर आप 7 रिसर्च पढ़ेंगे, 7 रिसर्च और 52 वीक्स के अगर आप काउंट करें इतने रिसर्च हो जाएंगे, कितने याद करोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो हम सेलेक्टेड जो कि बड़े वेरीफाइड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अगर हम इसी की बात करें, या गवर्नमेंट का कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा कोई वेरीफाइड हो और कोई बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड डिजीज हो, जैसे निपा वायरस पर आया, तो उस तरह क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू अदर। इसलिए यूज़, इसलिए इनको डिस्कशन नहीं करते। एक जनरल ये रिसर्च होते हैं इंस्टीट्यूट्स के। यहाँ पर भी आप देखिए, ये वाला जो टीबी वाला आर्टिकल है, यहाँ अब एवरी वीक टीबी पर एक आर्टिकल आता है। ना तो टीवी पर इस तरह का एक बड़ा क्वेश्चन कोई बनेगा कि यूपीएससी में टीवी पर बताइए आप इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वायरस पूछा जा सकता है, किस लिए किस कारण होता है, टीबी के लिए प्रोग्राम क्या है, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है, लेकिन बड़े संदर्भ में इसका यूज़ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए इन चीज़ों को ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन हम इसमें दूसरा पार्ट जो है सेक्शन 2, इसी द हिंदू का, उसको हम डिस्कस करेंगे। ये है द हिंदू का सेकेंड पार्ट, और इसमें बेसिकली ये थोड़ा सा इंटरनेशनल परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ज्योग्राफिकल परस्पेक्टिव से, मैपिंग परस्पेक्टिव से, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे कि फ्रंट पेज पे बताया, नागा पीस अकॉर्ड अवेट्स कंसेंस ऑन सिग्नेटरीज। बेसिकली 2015-16 में जो एक पीस अकॉर्ड साइन किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, और ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल, 2015 में, सॉरी, काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मुवा ग्रुप के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, उसी के बारे में है कि इस चीज़ को डिस्कशन किया जाए कि प्रॉपरली जो एलिगेशन लगते थे कई बार कि गवर्नमेंट इस तरह इसको डिस्क्लोज नहीं कर रही इस चीज़ को, उसी के बारे में, और इस पर काफ़ी डिस्कशन भी हुआ है। और ये ज़रूर, खासकर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, आसाम, दूसरे जो स्टेट नागालैंड से बॉर्डर टच करते हैं, उस चीज़ में ज़रूर इस पर पूछा जाता है कि आप इस, इनका क्या लिंक हो सकता है इस एग्रीमेंट से, वो ज़रूर हम लोगों को बताना है, ठीक है। हालांकि पब्लिकली शो नहीं किया गया, इंटरनल कुछ रीजन्स है इसी की वजह से अब तक ये जो एग्रीमेंट है वो पब्लिक नहीं किया गया है। यहाँ पर हम देखें जम्मू कश्मीर रेडिस्ट फॉर पंचायत पोल, पंचायत इलेक्शन हो रहे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी, इस तरह का एक प्लान है। और जम्मू कश्मीर में अभी विधानसभा जो है वो होल्ड पर है, और कह सकते हैं भंग है, और 6 वर्षों के लिए बेसिकली वहाँ विधानसभा होती है। लेकिन आप लोगों को नीचे कमेंट करना है कि जो पंचायत से संबंधित एक अनुसूची है, शेड्यूल है, वो कौन सी है, कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी शेड्यूल जो है पंचायतों से संबंधित है, ठीक है। ग्राम पंचायत यहाँ पर बेसिकली बात हो रही, ग्राम पंचायत। यहाँ हम देखेंगे चाइना वेजिंग कोल्ड वार अगेंस्ट यूएस। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स के विरुद्ध चाइना इस प्रकार की पॉलिसी को फॉलो कर रहा है लगातार, कि कहीं ना कहीं वो काउंटर करने के लिए तैयार है। यहाँ पर सीआईए एक्सपर्ट ने बताया कि बीजिंग ऑल इट्स रिसोर्सेज, अपने सभी संसाधनों का यूज कर रहा है अमेरिका को लीडिंग पावर से हटाने के लिए। अमेरिका को लीडिंग पावर से हटाने के लिए चाइना कर सकता है, इस चीज़ का यकीन होना चाहिए, क्योंकि चाइना एक यूनिक कंट्री है और उसका एक स्ट्रेटजी अलग रहती है, और उसके पास वो काबिलियत है कि वो हटा सकता है। देखिए हमास, यहाँ पर हमास के बारे में, हमास एक तरीके से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये गाजा स्ट्रिप में, ये बेसिकली फिलिस्तान के लिए लड़ता है कि फिलिस्तान को राइट होने चाहिए, फिलिस्तान के अपने स्वतंत्र, उसी के बारे में है। और अभी जो इसराइल ने एक लॉ पास किया था कि जेव जो होंगे या यहूदी, उनको स्पेशल राइट मिलेंगे, उसी के बाद ये काफ़ी न्यूज़ में है। और यूपीएससी में अगर हम देखें मैप में थोड़ा देखें, तो वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप और गोलन हाइट्स, ये 3 ऐसे ज्योग्राफिकल चीज़ें हैं जो यूपीएससी में पूछ सकते हैं, और इन चीज़ों को हमें ध्यान, देखिए ये गाजा स्ट्रिप है यहाँ पर, इसी के बारे में था, और ये वेस्ट बैंक यहाँ पर हमें दिखाई देगा, ठीक है। ये यूपीएससी में पूछा था गोलन हाइट्स के बारे में, और दूसरा क्वेश्चन हुआ था ज्योग्राफिकल से रिलेटेड, जॉर्डन से रिलेटेड, ये जॉर्डन से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ था कि बॉर्डर शेयर करता नहीं करता मेडिटेरियन से, तो इस तरह क्वेश्चन हो सकते हैं, तो हमें उन चीज़ों को ध्यान रखना है।
यहाँ पर इंफॉर्मेशन है कि सीरिया में रशिया और फ्रांस ने ह्यूमैनिटेरियन एक तरीके से मदद भेजी है, और अगर आप मैप में इसको देखेंगे सीरिया को, तो यहाँ पर ये सीरिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन है, लेबनान, जॉर्डन, इराक, तुर्की, ये कंट्री काफ़ी टच करते हैं, और ये वेस्टर्न मेडिटेरियन से ये भूमध्य सागर जो कि बहुत लंबा चौड़ा भी, यहाँ से ये ज्योग्राफिकली लिंक है। ठीक है, यहाँ भी हम देखेंगे चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं वो साउथ अफ्रीका में, अभी अफ्रीकन कंट्रीज में जाएंगे, और अफ्रीका में अभी मीटिंग है ब्रिक्स की भी, तो उसी में पार्टिसिपेट करेंगे, और दूसरी कंट्रीज में भी हो सकता है ये जाएँ डिस्कस करें, यानी अल्टरनेट ढूंढ रहा है, मतलब इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिकल रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने की तैयारी में चाइना, क्योंकि अगर अमेरिका उस पर सैंक्शन लगाता तो सीधी सी बात उसको भी अपने अल्टरनेट पार्टनर चाहिए, सहयोगी चाहिए, तो उन्हीं को ढूंढने के प्रयास में है चाइना, ताकि इकोनॉमी पर ज़्यादा इफेक्ट ना हो। और लास्ट में जो है वो है नासा से रिलेटेड, नासा लॉन्च करने जा रही है सन स्कॉर्चिंग एटमोसफेयर के लिए एक सैटेलाइट, और ये सैटेलाइट होगा जो लॉन्च करने जा रही है पार्कर सोलर प्रोब। ठीक है, ये सैटेलाइट लॉन्च करेगी सोलर सन से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, बेसिकली ये लॉन्च किया जा रहा है। यहाँ पर आप लोगों नीचे कमेंट करना है कि नासा किस किस स्पेस एजेंसी, किस कंट्री की स्पेस एजेंसी है, ये आप लोगों नीचे कमेंट करना। तो आज ये थी ब्रीफ में कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि कंटिन्यूटी बनी रही न्यूज़पेपर के साथ, इसीलिए इम्पोर्टेंट था संडे भी, तो जो जो इम्पोर्टेंट थी एक दो चार जितने भी वो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, प्लीज़ सभी कमेंट करिए नीचे जो जो क्वेश्चन है, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, जय हिंद।